आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, तो हमारा क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स। बेसिकली यहाँ पे हमें ओजोन के करस्पॉन्डिंग कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं और उनमें से कौन से सही हैं, कौन से गलत हैं, वो हमें एनालाइज करना है। ओके, तो यहाँ पे क्योंकि ओजोन की बात हो रही है तो सबसे पहले हम ओजोन का एक स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ओके, तो ओजोन में बेसिकली ऑक्सीजन एटम होता है और ऑक्सीजन एटम में 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन और से आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो ओजोन का स्ट्रक्चर इस प्रकार होगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स इस ऑक्सीजन एटम के। ओके, यहाँ पे हमारा एक और ऑक्सीजन एटम आएगा। ओके, ये देखिए, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं बेसिकली इनके थ्रू एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड में एक साथ 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट होते हैं। बेसिकली यहाँ पे सिर्फ ये वाला ऑक्सीजन एटम ही बॉन्ड फॉर्मेशन में मीन्स बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है, ये वाला ऑक्सीजन जो है वो इलेक्ट्रॉन्स ले रहा है, इसके कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं लगे हैं। ओके, तो ये हमारे ओजोन का स्ट्रक्चर हो गया। ये जो है ये हमारा जो है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक होता है। ओके, अब अगर हम देखें तो पहला स्टेटमेंट कहता है ओजोन इज़ अ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कम्पेयर टू O2। ओके, तो ये बेसिकली एक सही स्टेटमेंट हो जाएगा कि हाँ ओजोन एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है क्योंकि O2 जो है वो एयर में स्टेबल होता है। वहीं अगर ओजोन को देखें तो ओजोन जो है वो अगर हम एयर में छोड़ दें तो रेडिकली O2 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन में टूट जाता है और ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है ना इसका बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग नेचर होता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होते हैं तो किसी भी एटम के साथ जल्दी से कंबाइन करके उसे ऑक्सीडाइज कर देते हैं। ओके, तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देन आते हैं ओजोन ऑप्शन बी पे। ओजोन रिएक्ट्स विद KOH एंड गिव्स ऑरेंज कलर्ड सॉलिड KO3। ओके, तो बेसिकली ये भी हमारा सही स्टेटमेंट हो जाएगा। ओके, ओजोन जो है अगर हम रिएक्शन देखें तो बेसिकली 4KOH प्लस 4O3 गिव्स 4KO3 प्लस O2 प्लस H2। ओके, यहाँ पे बेसिकली 2H2 हो जाएगा अगर हम बैलेंस कर लें तो, और यहाँ पे एक O2 होगा। ओके, तो ये रिएक्शन हमारी बैलेंस्ड हो गई। ओके, तो ये भी हमारा एक करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। ओके, देन अगर हम ऑप्शन सी में आए तो देयर इज अ डिक्रीज इन वॉल्यूम व्हेन O3 डिकम्पोजेस टू फॉर्म O2। ओके, O3 डिकम्पोजेस टू फॉर्म O2 आएगा यहाँ पे। ओके, तो अब अगर हम देखें तो O3 का अगर हम O2 में डिकम्पोजिशन देखें तो वो कुछ इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग होगा, 2O3 गिव्स 3O2। ओके, अब हम अगर एक चीज़ हमारी है जो वॉल्यूम से हम रिलेट कर सकते हैं वो होती है एवोगैड्रो लॉ। ओके, एवोगैड्रो लॉ होती है जो हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ते हैं। ओके, एवोगैड्रो लॉ स्टेट्स दैट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मोल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ओके, यह हमारी एवोगैड्रो लॉ कहती है। ओके, तो बेसिकली जब भी 2O3 के एटम्स जो हैं वो 3O2 में डिकम्पोज होंगे तो क्योंकि हमारे जो मोल्स हैं वो बढ़ रहे हैं, बेसिकली 2O3 मॉलिक्यूल 3O2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में जा रहे हैं। ओके, तो मोल्स बढ़ रहे हैं और क्योंकि मोल्स बढ़ रहे हैं और मोल्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम है तो इंक्रीज इन वॉल्यूम होगा। ओके, तो यहाँ पे दिया हुआ है डिक्रीज इन वॉल्यूम जबकि यहाँ पे इंक्रीज इन वॉल्यूम है, तो ये हमारा एक इनकरेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, ये तो गलत हो गया। अब हम आते हैं डी पे। ओके, जो हमारा स्टेटमेंट डी है वो कह रहा है द डिकम्पोजिशन ऑफ O3 टू O2 इज एक्सोथर्मिक। ओके, तो इस चीज़ को हम थोड़ा एनालाइज कर लेते हैं। ओके, तो बेसिकली हमारी जो ओजोन लेयर होती है उस मींस टॉप मोस्ट लेयर्स जो होती हैं हमारे अर्थ की उनमें अगर हम रिएक्शन देखें
तो बेसिकली क्या होता है, हमारी सन रेज जो हैं वो आती हैं हमारे O2 मॉलिक्यूल्स जो वहाँ पे प्रेजेंट है उन पे गिरती हैं और वो 3O2 को 2O3 में कन्वर्ट कर देती है। और ये बेसिकली क्योंकि ये सन रेज के कारण है तो बेसिकली ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन हो जाता है। ओके, एंडोथर्मिक। ओके, क्योंकि जो हीट है सन से आई वो O2 पे गिरी और वो O3 में कंबाइन हो गए, O3 में O3 का फॉर्मेशन हो गया। ओके, अब अगर हम इसका रिवर्स रिएक्शन देखें, 2O3 गिव्स 3O2, क्योंकि ये रिएक्शन हमारा एंडोथर्मिक हो गया तो ये रिएक्शन हमारा डेफिनेटली एक्सोथर्मिक होगा। ओके, क्योंकि ये जस्ट रिवर्स रिएक्शन है। ओके, तो ये चीज़ क्लियर हो गई। अब अगर हम इसकी थर्मोकेमिस्ट्री में और आगे थोड़ा जाना चाहें तो अगर हम इसकी थर्मोकेमिस्ट्री देखें तो बेसिकली 2 ओजोन मॉलिक्यूल, इस रिएक्शन को हम एनालाइज कर रहे हैं, 2 ओजोन मॉलिक्यूल आर गिविंग 3 ऑक्सीजन एटम्स। ओके, 2 ओजोन मॉलिक्यूल 3 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स हमें दे रहे हैं। ओके, तो इसको अगर हम देखें तो क्योंकि यहाँ पे हमारे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ रहे हैं, मींस मॉलिक्यूल बढ़ रहे हैं, तो ये रिएक्शन जो है हमारी, इसमें जो एंट्रोपी है, एंट्रोपी चेंज जो है, एंट्रोपी डेल्टा एस विल बी पॉजिटिव। ओके, और इस रिएक्शन की हमारी डेल्टा एच जो है वो ऑलरेडी एक्सोथर्मिक होने के कारण नेगेटिव हो गई। ओके, और हमें एक रिएक्शन से पता है डेल जी इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस, ये रिएक्शन हमें ऑलरेडी पता है, ये इक्वेशन हमें ऑलरेडी पता है। ओके, तो यहाँ पे डेल एच जो है वो नेगेटिव है, टेम्परेचर ऑलवेज पॉजिटिव ही होगा। ओके, तो टी और डेल एस जो है वो अगेन पॉजिटिव है। ओके, तो बेसिकली इसी के कारण ये जो है कंप्लीट एक्सप्रेशन नेगेटिव आ जाएगा। तो डेल जी हमारा क्योंकि नेगेटिव आ गया, अगर डेल जी हमारा नेगेटिव हो आ गया तो ऑब्वियसली जो हमारी प्रोसेस है वो स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। ओके, तो बेसिकली ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होते हैं। तो अगर हम ओरिजिनली हमारे क्वेश्चन पे आ जाएं, ऑप्शन पे आ जाएं, तो डी ऑप्शन था, द डिकम्पोजिशन ऑफ O3 टू O2 इज एक्सोथर्मिक। ओके, तो ये भी हमारा करेक्ट होगा। तो बेसिकली हमारे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शंस होंगे ऑप्शन ए बी एंड डी। ओके, थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।